ये बिहार की धरती है। विपरीत परिस्थितियों में बिहार से उत्तर प्रदेश से देश के युवाओं को रोजगार के अवसरों की तलाश के लिए पलायन का रास्ता अपनाना पड़ता है दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में, कभी कर्नाटक से, कभी तमिलनाडु से। एक आध ट्रेन यहाँ पे जला दी गई तो पूरी युवा पीढ़ी को गठघरे में ला करके खड़ा कर दिया गया। मैं एक उत्तर भेजने की कोशिश करता हूँ। इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा एक होती है उसका नतीजा, और एक उत्तर आशीर्वाद दीजिएगा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। विश्व में जब गए सब पे भारी रहे, विश्व में जब गए सब पे भारी रहे, विश्व में जब गए सब पे भारी रहे, सबसे आगे खड़े गमछा धारी रहे। विश्व में जब गए सब पे भारी रहे, सबसे आगे खड़े गमछा धारी रहे। यूपीएससी ने जब भी परीक्षाएं ली, यूपीएससी ने जब भी परीक्षाएं ली, यूपीएससी ने जब भी परीक्षाएं ली, या तो यूपी रही या बिहारी रहे, या तो यूपी रही या बिहारी रहे, यूपी रही या बिहारी रहे, यूपी रही। राष्ट्र मिलकर लहू में बहे उम्र भर, राष्ट्र मिलकर लहू में बहे उम्र भर, राष्ट्र मिलकर लहू में बहे उम्र भर, मातृभूमि की जय हम कहे उम्र भर। उम्र छोटी मिले या कि लंबी मिले, उम्र लंबी मिले या कि छोटी मिले, पर तिरंगा सरों पर रहे उम्र भर। मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृ भेद, अपने जीवन में शायद चार पंक्तियों से अच्छा नहीं लिख पाया, आप तक पहुंचाता हूं कि मेरे पुत्र मुझको तू वचनो दे मातृवेक, मेरे पुत्र मुझको तू वचनो दे मातृवेक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाओ, इंच इंच बट जाओ, और दो पंक्तियों में बेटे का उत्तर सुनकर कहीं आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, कहीं आपके में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो एक मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइएगा कि मैं देशभक्तों के बीच में खड़ा हूं, मुझे बताइएगा कि मैं भागलपुर में खड़ा हूं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाओ, इंच इंच बट जाओ, इंच इंच बट जाओ, बोटी बोटी कट जाओ, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर लाऊंगा मां, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर लाऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा। एक पार्थिव शरीर रखा हुआ था, लोग उसका दाह संस्कार करने के लिए जा रहे थे, मगर उनकी माँ किसी को भी अपने बेटे के पार्थिव शरीर के पास नहीं आने दे रही थी। वो कह रही थी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। शब्द पूरी रात मेरे कानों में गूंजे। जब मैं सुबह उठा तो एक गीत आप तक पहुंचाता हूँ। वो मां क्या कहना चाहती है हमसे, आपसे, पत्रकारों से, इस देश की जनता से, राजनीति से, आशीर्वाद दीजिएगा। अभी नहीं, 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 रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, कि राह देखती रही ये शाम भी ढली नहीं, कि राह देखती रही ये शाम भी ढली नहीं, थी इंतजार में धरी दिया लिया जली नहीं, कि थक गई जुबान अपने भाइयों को पूछ के, कि रो रही है राखियां कलाइयों को पूछ के। महोलियों में आऊंगा, दिवालियों में आऊंगा, मैं आऊंगा यूं आऊंगा कि दूर ही न जाऊंगा। फिर द्वार बंद नेह के ये खोल के चला गया, फिर द्वार बंद नेह के ये खोल के चला गया, मैं आ रहा हूं लौट के ये बोल के चला गया। वो यूं गया, वो यूं गया, चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, वचन ने यूं निभा सका, हयात जाके आ सका। अभी तो चैन से इसे निहार भी सकी नहीं, अभी तो चैन से इसे दुलार भी सकी नहीं, कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो, कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो, कि बूढ़ी माँ का बूढ़ा मन अभी तलक नहीं भरा। रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, रुको। कितना आशीर्वाद आपने दिया। गीत का दूसरा भाग आप तक पहुंचाता है। और क्या कुछ है जो हमारे और आपके जीवन में है पर उनके जीवन में नहीं है। कोविड की वजह से दो होलियां हमारी खराब हो गई, तो मन में ये रहा कि काश कि ये कोविड ना होता तो होली और अच्छी हो सकती थी। ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये होली के गुलाल और रंग देख ना सका, किसी का सोल हो श्रृंगार भी बुला के थक गया, किसी का सोल हो श्रृंगार भी बुला के थक गया, किसी के भाव थक गए, किसी का प्यार थक गया, किसी के स्वप्न कैद है तिहाड़ जैसी जिंदगी, अहिल्या सी लिए खड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी, तू आएगा तू आएगा ये जिद लिए अड़ी रही, कि राम की प्रतीक्षा में शिला बनी खड़ी रही,
खड़ी रही अभी तो पायलों की छनछनाहटें सुनी नहीं, अभी तो चूड़ियों की थनथनाहटें सुनी नहीं, अभी तो दर्पणों ने भी श्रृंगार तक नहीं करा। रुको जरा अभी नहीं। मैं प्रणाम करता हूँ गीत का तीसरा पंक्ति। मैं स्वयं रोमांचित होता हूँ। मैंने कल्पना की कि कहीं ना कहीं अंतस में बेटा जरूर अपनी माँ से कहता होगा कि माँ, इस सृष्टि पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। कोई भी अमृत को प्राप्त करके नहीं आया है, रावण को भी अमृत प्राप्त नहीं हो पाया, मगर एक साधारण मौत और एक बलिदान में क्या अंतर है, हम कैसे लड़े और तुम्हें क्यों नहीं रोना चाहिए। मैं स्वयं रोमांचित होता हूँ इसे पढ़ते वक्त रोमांच आप में देखने की कोशिश करता हूँ। नास ही बची थी माँ, न खून ही बचा था, ना जुनून ही बचा था माँ। बघेर गया था लाल शत्रु टोलियों के सामने, मार गया था लाल उनकी गोलियों के सामने। मौत का नशा चढ़ा खुमार जैसे हो गया, माथ के समक्ष अंधकार जैसे हो गया। जनाज सामने खड़े थे और बोलने लगे, वो अपनी मृत्यु पुस्तिका के पृष्ठ खोलने लगे। विधि का ये विधान है, कहा मुझे निभाना है, कहा कि वक्त आ गया है साथ लेके जाना है। गिरी पड़ी थी लाश का भी खून खौलने लगा, गिरी पड़ी थी लाश का भी खून खौलने लगा। बलाड़ला तुम्हारा यम से तन के बोलने लगा, बलाड़ला तुम्हारा यम से तन के बोलने लगा। अभी नहीं, तिरंगा सरहदों के पार लेके जाने दो, कि शत्रुओं की छातियों पे चरवी से लगाने दो। मलाला तुम्हारा यम के सामने नहीं डरा, रुको जरा। जो चक्रव्यूह थे रचे वो खोलते चले गए, वंदे मातरम के बोल बोलते चले गए। हो सके तो रोना ना, तो आंख को भिगोना ना। मलाला अमर हुआ है, लाड़ला नहीं